Her Excellency the Austrian Ambassador to Pakistan, Mrs. Andrea Vicke. His Excellency Italian Ambassador to Pakistan, Mr. Andreas Ferraresi. Co-founder Women Business Network, Saim Ali Dada. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Today, we gather to celebrate this remarkable achievement of women, and at the same time, to reinforce our will to improve the lot of women in Pakistan and to bring them equal in employment, in education, in all other spheres, including in political life in Pakistan. With the permission of those who don't speak English, who don't speak Urdu, I would like to continue in Urdu because the words which we say here are more easily understandable to the vast population of Pakistan, where the message has to sink in that the women are important part of society. So we've made arrangements for translation, and I would appreciate if you can follow what I say in Urdu in your chosen language. तो जनाब अली मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं मिज़दादा को ये कह रहा था कि मुझे तो खुद एम्बेरसमेंट होने लगा है कि कोई ऐसा ओकेजन नहीं होता, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं होती, कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होता, कोई ऐसा मौका नहीं होता, चाहे मैं कन्वोकेशन में यूनिवर्सिटी में हूँ, चाहे वो मैं चैम्बर्स के इनामात तकसीम कर रहा हूँ, जहाँ मैं इस बात का जिक्र नहीं करूँ कि औरतों को पाकिस्तान के अंदर इक्वल मुकाम हासिल होना चाहिए। कोई ऐसा मौका जाने नहीं देता हूँ, बेचैन रहता हूँ, तलाश करता हूँ कि इसमें कहीं से मौका तलाश करके बात करूँ। क्यों? इस वजह से कि जो हमारी आबादी का निसफ हिस्सा है, अगर उसको आप आइसोलेट करके रखेंगे तो तरक्की के रास्तों के अंदर बड़ी बड़ी रुकावटें आएंगी। अच्छा, ये जो तारीखी तौर पर तब्दीली आई है, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ है, ये जो कैफियत पैदा हुई है, इसके आसार यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ज़्यादा नुमाया हुए। औरत के मुकाम के हवाले से मैं आपसे ज़िक्र करूं, क्यों जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसमें वर्किंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ी। जब वर्किंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ी और जब प्रॉस्पेरिटी आई, तो फिर इस बात का इम्कान हुआ कि इकोनॉमिक इनपुट की वजह से माशरे की अकदार जो कंजर्वेटिव अकदार थी वो भी बदलें। और जो लोग किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, उनको मैं याद दिलाता हूँ कि बर्ट्रेंड रसल की एक किताब मैंने 60s में पढ़ी थी, मैरिज एंड मॉरल्स इन सोसाइटी। उसमें भी उसने यही बात कही कि जैसे जैसे इकोनॉमिक चेंज आ रहा है और जैसे जैसे औरत को ये मौका मिलेगा कि वो बाहर अपनी इनकम के लिए बाहर जा सके, तो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी के अंदर उसका मुकाम भी बेहतर होगा। अच्छा, ये इकोनॉमिक डिमांड की वजह से है, मगर इंसानियत के हवाले से मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर औरत का मुकाम क्यों ऊंचा नहीं रखते हर मामले में, चाहे वो इनहेरिटेंस हो, चाहे वो मईशत के मामलात हों, चाहे वो काम हो, चाहे वो अभी स्वात में क्रिकेट मैच हो, क्यों नहीं रखते? और मुझे लगता यह है कि ये कल्चरल चेंज जो दुनिया के अंदर आती रही, उस हम वहाँ पर पहुँचे में, हमारे मज़हब ने हमेशा से दो बड़ी चीज़ें रिकग्नाइज़ की। अच्छा, और मैं इसको आपसे कह रहा हूँ कि 1400 साल पहले ये रिकग्निशन आया। नंबर एक, तो मैंने किसी कई एक जगह पर जिक्र किया कि जितने नबी आए, चाहे इब्राहिमिक ट्रेडिशन के आए, जितने नबी आए सब ने दो काम किए। एक तो इंसाफ की बात की, और इंसाफ बगैर औरत के मुकाम के हो नहीं सकता। एक तो इंसाफ की बात की और एक गरीब की बात की, जो नॉन प्रिविलेज क्लास है या सप्रेस क्लास है उसकी बात की। तो मुसलमानों के यहाँ सबसे बड़ी चेंज आई, जो तारीख में बहुत नुमाया मुकाम रखती है, इस वजह से कि मैं आपसे जिक्र करूँगा कि दुनिया में नहीं आई। मुसलमानों के यहाँ एक चेंज ये आई कि कुरान ने यह कहा कि औरत के विरासती हकूक़ हैं। बहुत बड़ी चेंज आई, जिस माहौल के अंदर औरतों निस्वानी औलाद का पैदा होना एक ऐब था, लोग दफन कर देते थे औरतों को और बच्चियों को, जिस माशरे के अंदर उनका कोई मुकाम नहीं था, प्रॉपर्टी के हकूक तो दूर की बात है, वहाँ पर ये चेंज 1400 साल बाद आई और डिलीनिएट कर दिया गया कि वुमन हैज़ इनहेरिटेंस। दूसरी चेंज क्या आई,
उसके साथ साथ ये बात आई कि लोगों को उठाना है जो पिसा हुआ तबका है। मैंने एक 14 अगस्त की तकरीर में मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून की बात की कि जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुम्हें दिया गया, खाने को जो दिया गया वो भी शेयर करो, तो माल और दौलत तो एक तरफ रहा। इसके बरक्स दुनिया में क्या होता रहा, इस वजह से मैं आपको पाकिस्तानियों को उस तरफ लाना चाहता हूँ कि तुम्हारी विरासत क्या थी और दुनिया में क्या हो रहा था। आपकी विरासत के हुकूक इस्लामी माशरे में मुसलसल चलते रहे, ये दूसरी बात है कि बाज़ जगहों पर कल्चर ने टेक ओवर किया और औरत को अपनी विरासत नहीं लेने दी, बल्कि शादियाँ इस अंदाज से कि विरासत भी ना बटे, शादियाँ भी कज़न्स के अंदर कर कर ये एहतमाम किया कि जी पैसा जो है वो यहीं रह जाए। और यूरोप के अंदर क्या होता रहा, यानी बड़े ताज्जुब की बात है कि यूरोप के अंदर 20वीं सदी की पहले दहाई तक, यानी 1904 तक या 2 तक, अ वुमन वॉज अ प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड और द फादर, वट एवर शी अर्न वॉज नॉट हर इनकम, वट एवर शी अर्न वॉज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फादर और द हस्बैंड और द मेल, देर वॉज नो इनहेरिटेंस। और कहाँ हम जो 1400 साल पहले हमारे यहाँ इनहेरिटेंस थी, और कहाँ अब यूरोप ने, हर एक्सेलेंसी द ऑस्ट्रियन एम्बेसडर ने बड़ी अच्छी तरह से बयान फरमाया कि कैसे यूरोप का जो जो इन्होंने पिछले 100-125 साल के अंदर ट्रांजिशन किया है वो कैसे दुनिया के अंदर एक अच्छा ट्रांजिशन होगा। एक तब्दीली तो बहनों और भाइयों ये आई कि मुझे वो याद हैं, वो ख़ानदान भी याद हैं, मेरे एक दोस्त थे मरहूम जिनकी वालदा ने 11 बच्चे पैदा किए। अच्छा, और आपको भी याद होगा, आप पीछे जाएं तो प्रोडक्शन ऑफ जो चिल्ड्रन था वो इतना था कि जब 11 प्रेगनेंसीज होंगी तो तकरीबन 15-20 साल तो टोटली वो औरत इसी साइकिल में रही। तो लिहाजा माशरों के अंदर ये कैफियत हुई, और ये भी नई चेंज आई। ये चेंज जब आई जब मालथूसियन एतबार से खाने को गजा अच्छी मिली, जब आलू आया फ्रॉम द अमेरिकाज फॉर एग्जाम्पल टू आयरलैंड, तो अचानक पॉपुलेशन ग्रोथ होती थी और फिर डिजीजेस से वो वापस आ जाती थी। तो जो मालथूसियन थ्योरी है पॉपुलेशन की, वो यही है कि किस वाफिर मकदार में खाना मिला पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर कहत आया या पॉपुलेशन ज़्यादा को फीड नहीं कर सके तो फिर पॉपुलेशन मैनेज हो गई। ये 19वीं सदी और 20वीं सदी और 21वीं सदी की चीज़ है कि जहाँ गज़ा में इम्प्रूवमेंट हुआ और फिर पॉपुलेशन के अंदर बूम आया। अच्छा, जब पॉपुलेशन के अंदर बूम आया तो एक नई तब्दीली आनी शुरू हुई जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसके अंदर फिर ख़ानदान कम बच्चे पैदा करते हैं। और पाकिस्तान भी उस स्टेज पर है, जो गो हमने इसको रिकग्नाइज नहीं किया है, जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन मैनेजमेंट के चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल द कंट्रासेप्टिव्स, IUD डिवाइसेस एक्सेट्रा, तो वो हम पहुंचा नहीं पा रहे क्योंकि 50% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन पाकिस्तान के अंदर वो जच्चगी नहीं चाहती थी या प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, 50%, और हम सिर्फ 38% तक पहुंचते हैं। तो लिहाजा हमारे यहाँ भी डेमोग्रेटिव ट्रांजिशन आ चुका है, हम एक साल के अंदर अपने डेमोग्रेटिव सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं अगर सिर्फ हम कंट्रासेप्टिव्स घरों तक पहुँचा दें। माशा शर्माने वाला है, कॉन्ट्रासेप्टिव बाज़ार से नहीं खरीदते और फिर भी लॉन्ग एक्टिव कंट्रासेप्टिव्स की बात है। तो मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। औरत जब कम बच्चे पैदा करती है, 1 या 2 या 3, तो लिहाजा उसके पास पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ सोसाइटी बेहतर हो जाता है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है तो हमने और आपने सिर्फ ये काम नहीं करना कि सरकार को कहना है कि तुम हालात पैदा करो, सरकार को तो करना चाहिए, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर इस दुनिया में, इस ज़माने में जब ये IT इतना आसान हो गया, कम्युनिकेशन इतनी आसान हो गई, हर औरत के लिए अगर रास्ता हम तलाश नहीं कर सकते तो बड़े अफसोस की बात है। इसके लिए स्टेट डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। स्टेट डिपेंडेंसी का, स्टेट क्या करती है, सड़कें बनाती है ना, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है, सड़कें, चाहे IT की सड़कें हों चाहे गाड़ियों की सड़कें हों, स्टेट ये काम करती है। स्टेट ने कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर दिया, आउट ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी 10 करोड़ या 12 करोड़ या 15 करोड़ फ़ोन है, लिहाजा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गई।
अब औरत तक क्यों नहीं पहुंच रहा। तो लिहाजा ये जो कैफियत है कि माल है, चीज़ है, तालीम है, रास्ते मौजूद है, मगर औरत तक नहीं पहुंच रहे, उसके अंदर ये इदारा, मिसाल के तौर पर जो सैम अली दादा आपने मेहनत करके बनाया, ऐसे बहुत सारे इदारों को काम करना चाहिए जस्ट टू लिंक द बायर ऑफ ए प्रोडक्ट, चाहे वो एक आदमी की प्रोडक्ट हो, और जो सेलर है उसके साथ लिंक करें। आपको मालूम है एक एक खातून घर में बैठकर, मिसाल के तौर पर जिसको इल्म हासिल हो गया, वो दुनिया भर के अंदर कहीं कुरान क्लास ले रही है, कहीं उर्दू की क्लास ले रही है, कहीं ट्यूशन ले रही है, दुनिया में काम कर रही है। आपकी मईशत से भी इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि दुनिया की मईशत प्रॉस्पर कर रही हो तो आपका लिंक उसके साथ इस्टेब्लिश है। औरत को घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा ये तरीक़ा जो है ये औरत के लिए, अपने माहौल में रहते हुए भी माहौल चेंज करने में टाइम लगता है, मगर ये लिंक तो आज मौजूद है। मैं पिछले दिनों, पिछले 3-4 साल से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये कह रहा हूँ कि पिछले दिनों मैंने बड़े इंटरनेशनल रिसालों में भी पढ़ा और देखा और तस्वीर मैंने उनको दिखाई कि बराबर के मुल्क में एक औरत बैठी है, तरकारी बेच रही है, उसके पास एक QR कोड रखा हुआ है, और जो तरकारी खरीदता है वो उसमें तस्वीर खींचकर उसको पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, और जो मेरी हर एक्सीलेंसी ऑस्ट्रियन एम्बेसडर ने ये बात की कि गिलगित हुंजा के अंदर जो पैसे दिए तो वो बेटा आकर ले गया, ये पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस है, दुनिया का एक्सपीरियंस रहा है। BISP के अंदर क्या होता रहा, मैं आपसे मिलता जुलता बात सुनाना चाहता हूँ। जब BISP पैसे देता है और टू डिज़र्विंग वुमन बिफोर, जो पावर्टी की एक सतह से नीचे हैं, गुर्बत की लाइन से नीचे हैं, उनको जो पैसे देता है, कभी 3600 रुपये और कभी जितने भी दिए, तो औरत को बुलाया, औरतों को डिसबर्स करते हैं, औरत को बुलाया, वो बेचारी टैक्सी लेकर आई, 400-500 रुपये खर्च करके आई, फिर वहाँ पर किसी ने, गलत आदमी ने ये कहा कि जी मैं 50 रुपये तुमसे लूँगा, तुम्हारी लाइन में छोटी करा देता हूँ, वहाँ कहीं एक्सप्लॉयटेशन हुआ, फिर उसको पैसे मिले कैश, जैसे ही पैसे मिले वो टैक्सी करके वापस गई, 300-400-500 रुपये तो इसी में खर्च हो गए। घर पहुँची तो उसके मर्द ने कहा कि 500 रुपये मुझे दे दो, बेटे ने कहा 500 रुपये मुझे दे दो, तो बाय द टाइम वो दिन गुजरा तो उसका जो उसको पैसे मिले थे वो भी निसफ हो गए। तो हमने इंसिस्ट किया, मैंने इंसिस्ट किया कि ये डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाए, ताकि उसके पास तो आए, कुछ उसके होल्ड तो हो, चंद दिन तो होल्ड हो, अगर मर्द लेना ही है तो मर्द ने उसकी मिन्नतें तो करे 5-6 दिन। तो ये जिस तरह से आप ये आसानी पैदा करेंगे मूवमेंट ऑफ मनी की औरत के साथ, इस तरह से औरत का पार्टिसिपेशन माशरे में खुद ही मजबूत होगा। देखो, कहना, तकरीर करना, मैं तो थक गया हूँ। मैं अभी जितनों को दे रहा था उसमें से कई एक से पूछ रहा था कि ये बताओ कि तुम्हारी कंपनी में औरतें कितनी हैं। चैम्बर्स वाले आते हैं, अपने बेटों को प्रमोट करते हैं, मर्द ही मर्द बैठे होते हैं। मैंने एक चीज़ तो अपने ये की कि अगर हम अवार्ड्स दे रहे हैं उसमें अगर 30% औरतें नहीं होंगी तो हम वो अवार्ड्स नहीं देंगे। मतलब कहीं इंसिस्टेंस करें। दूसरे बैंक्स के साथ, स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ मिलकर ये बात की और माशाल्लाह बैंकों ने बड़ा मेहनत करना शुरू कर दी कि औरतों को एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स के एतबार से बात की जाए, कमिटमेंट के एतबार से नहीं। जो भी हम काम कहते हैं, लोग कहते हैं जी हम कर रहे हैं वाली स्टेज से हम गुजर गए, अब ये बताओ कितना कर रहे हो, हैं? तो जो भी, मेरा तो दिल ये करता था, एक चैम्बर की मीटिंग के अंदर मैंने ये कहा कि यार आप आकर ये कहते हो कि जी ये मेरा बेटा है, ये मेरे कारोबार में शामिल हो गया है, माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रहा है, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि बेटियाँ बहुएँ कहाँ हैं, ये वो कारोबार में नहीं शामिल हो सकती। अगर तुम कहते हो कि हरासमेंट का माहौल है, तो सबसे अच्छा क्लैरिटी, सेफ्टी ये है कि तुम्हारे दफ्तर में तुम्हारी बेटी काम करे या बहू काम करे। तो लिहाजा आई एम इंसिस्टेंट, व्हाई डजंट दिस हैपन। अच्छा, ये मुसलसल कहने से होगा, ये चेंजेस आसान होती हैं, मगर जो डिमांड ड्रिवन कैफियत है औरत की जरूरत की, वो डिमांड ड्रिवन कैफियत पर भी तवज्जा दें तो सोसाइटी के एटीट्यूड खुद ही बदल जाएंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर बांग्लादेश के अंदर
टेक्सटाइल के अंदर इतनी औरतें काम कर रही हैं ताकि वहाँ पर कम से कम एट दैट लेवल जेंडर डिस्पैरिटी नहीं है। मुल्कों के अंदर चंद एक डिकेड के अंदर तब्दीली आ जाती है। आपको वियतनाम याद है, डिस्ट्रॉय हो गया। सिर्फ यही नहीं, उसके उसकी उसकी फॉरेस्ट्री, उसका ग्रीनरी नेपाम के जरिए पता नहीं किस किस तरह से लाखों आदमी मर गए। मल जब उसने रिवाइव करना अपने आप को शुरू किया तो टुडे इट इज़ अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री, क्योंकि औरतों को इन्वॉल्व कर लिया काम के अंदर। तो लिहाजा औरतों को इन्वॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने कुछ रास्तों का तयन भी करना चाहता हूँ, सिर्फ तकरीर करके जाना नहीं चाहता। मैं फोकस करना चाहता हूँ कि ये जो लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट है तालीम के अंदर, इसको भी मैनेज किया जाए, है ना। इसको मैनेज करने के एतबार से मुझे तो इस बात की फिक्र है कि 2 करोड़ बच्चे स्कूलों के बाहर हैं, और अगर हम स्कूल बनाने जाएं आज तो 55,000 स्कूल चाहिए, जो कि हम 20 साल में नहीं बना सकते। तो वहाँ पर मैं इस बात पर तवज्जो दे रहा हूँ कि किसी तरह से इसके ज़रिए तालीम पहुँच सके, किसी तरह से मस्जिदों के अंदर भी जो खाली स्ट्रक्चर्स मौजूद है मस्जिद का, तो मस्जिद के अइम्मा भी कहते हैं कि जी एजुकेशन के हवाले से फजर से लेकर जोहर तक मस्जिद खाली है, और पेश इमाम को और उनकी बीवी को कुछ पैसे देकर एजुकेशन का अहतमाम मस्जिद में कर लिया जाए। देखो जो क्राइसिस होते हैं ना उसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ती है ना। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के अंदर परेशानी तो ये है कि अगली नस्ल का बोझ यही नस्ल उठाएगी। आप ये देखिए कि जो टैक्स नहीं पे करते मुल्क के अंदर है? उनका बोझ जो टैक्स पेयर हैं वो उठाते हैं। जो तालीम नहीं हासिल करेंगे उनका बोझ भी ये एलीट उठाएगी, और एलीट भी बड़ी ईमानदार एलीट नहीं होती, एलीट एक्सप्लॉयटर एलीट होती है। वो चाहती है कि स्लोप जो है वो मेरी तरफ रहे, मगर उस एलीट को भी वर्किंग फोर्स की ज़रूरत है। अगर दुनिया के अंदर जमहूरियत ने तरक्की की है तो इस वजह से तरक्की की है कि नॉन एलीट की वर्किंग फोर्स को भी मेन स्ट्रीम में लाया गया है, और जमहूरियत के अंदर 300-400 साल का स्ट्रगल है। मुझे खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो एक चेंज ये आया कि हमारी रिप्रेजेंटेशन ख्वातीन की असेंबली के अंदर भी फिक्स हुई, मगर अफसोस यह हुआ कि जो अक्सर ख्वातीन जो असेंबलीज में गईं उन्होंने अपनी औरतों के लिए कम काम किया और मेन स्ट्रीम सियासत में ज़्यादा किया। तो मैं उनको भी मोटिवेट करता था कि भाई औरतों के लिए काम किया जाए। पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ी अच्छी चेंज आई जिसके अंदर हरासमेंट का मुहतसिब बना, खातून है मुहतसिब हमारे यहाँ, हरासमेंट के ऊपर बड़ा सीरियस एक्शन लिया जाता है ताकि जब तक लोगों को इस बात का एहसास नहीं हो कि औरत माशरे में सेफ है, पब्लिक स्पेस उसके लिए सेफ है, तो औरतें खुद भी बाहर नहीं निकलेंगी। ये दूसरी बात है कि मर्द भी रोकें, मगर औरतें खुद भी बाहर नहीं निकलेंगी। ये सेफ्टी बेइंतहा ज़रूरी है, और इस्लामिक ट्रेडिशन ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो दूसरे खलीफा थे उनसे जब ये पूछा गया कि कैसा माशरा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा माशरा ऐसा होना चाहिए कि यमन से अदन तक, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर औरत जेवर से लदी हुई सफ़र करे तो उसको ये ख़तरा नहीं होना चाहिए कि वो मोलेस्ट होगी या उसका जेवर उसे छीना जाएगा। तो इन ट्रेडिशंस, इन गोल्स को लेकर अगर हम हरासमेंट के हवाले से चलें, उन्हीं उसी हरासमेंट के साथ साथ एक वुमन प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आया। एक्ट मौजूद हमेशा थे, कुरान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, मगर कल्चर में वो औरतों को विरासत नहीं देते। तो लिहाजा अब ये प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट आया जो इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में लागू है, वो ये कि अगर औरत की कोई विरासत का इशू होगा तो फौरन इम्प्लीमेंट होगा और 60 दिन के अंदर तय होगा। अगर औरत की कोई प्रॉपर्टी, यानी सिर्फ ये नहीं कि विरासत की प्रॉपर्टी, अगर औरत ने ज़िंदगी में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उसके ऊपर कोई नाजायज़ कब्ज़ा हो जाए तो 60 दिन में फैसला होगा। रिमार्केबल, लोगों को पता नहीं है कितना आउटस्टैंडिंग है। यहाँ प्रॉपर्टी के झगड़े 20-20 साल चलते हैं, कब्ज़ा सच्चा दावा झूठा के हवाले से। तो पाकिस्तान के अंदर रास्ते का तायुन है, और मैं आप लोगों को ये और बात कहना चाहता हूँ कि बैंक्स ने पिछले 3 साल पहले, 2 साल पहले तक, जब तक हालात मईशत के और परेशान कुन नहीं हुए, तो बैंक्स ने लोन्स का, वुमन लोन्स का एहतमाम किया। आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि स्टेट बैंक के गवर्नर मुझे साल भर कहते रहे कि जी सिर्फ 5% औरतें आई लोन्स के लिए।
अच्छा, अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्यों आई सिर्फ 5%? क्यों? क्योंकि उंगली पकड़कर बैंक तक ले जाने वाला कोई नहीं, गाइड करने वाला कोई नहीं। मैं तो मर्दों से यहाँ पूछता हूँ कि अगर आप लोन लेने जाएंगे तो आपको बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी कि फिजिबिलिटी बनाना है, उसके सब कुछ कैलकुलेट करना है, बिजनेस की कॉस्ट क्या होगी, तो यू नीड हेल्प। तो औरतों को, औरत को कौन हेल्प करता? तो ओनली 5% ऑफ दोज लोन्स वर डिस्पर्स्ड। दैट मीन्स द गवर्नमेंट इंटेंशन वॉज देयर, बिलियंस ऑफ रुपीज वर अवेलेबल, मगर सारे इदारों के अंदर ये फोकस नहीं था कि, और बल्कि कुछ बैंक्स ने तो यहाँ तक किया, यानी वुमेन बैंक ने तो ये किया कि उन्होंने कहा जी हमने चार, और पंजाब बैंक ने भी शायद किया कि हमने चार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रख लिए, औरत आइडिया लेकर आए, फीजिबिलिटी हम बना कर देंगे। एक बैंक ने प्रॉमिस किया कि 99% औरतें सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करें लोन के लिए, वी विल मेक दी अरेंजमेंट्स, बट ये मैसेजिंग नहीं गई बाहर। तो मैं ये समझता हूँ कि हालात मौजूं हैं, डेमोग्राफिक चेंज आ चुका है, पाकिस्तान में भी आ रहा है, देर आर लेसर चिल्ड्रन बींग बॉर्न, और औरत को काम के लिए निकलना चाहिए, मगर कैसा काम? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि औरत घर बैठकर काम करेगी। एक USAID का प्रोग्राम था मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, बड़ा अच्छा, और यही था कि औरत बाहर नहीं जा रही, चलो घर में है, तो अपनी छत पर वो तरकारी और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ड्राई करे, और ड्राई करके वो सिंपल एक रोजी बन गई, मंगाई और अपनी छत पर ड्राई किया और उसको पैकेज करके दिया। तो द आइडियाज ऑफ होम वर्क बिसाइड रेजिंग चिल्ड्रन, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इज ट्रिमेंडस, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने आपसे कहा कि फेसबुक ने यहाँ पिछले दिनों, मेटा ने एक काम किया कि कई हज़ार औरतों को ये ट्रेन किया कि किस तरह से अपने वेयर्स को, चाहे घर में बैठकर काम कर रही हो, मार्केट कैसे करो। और इस वक्त अमेज़ॉन ने ये काम किया, ट्रेनिंग करनी शुरू की, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि आप इदारों के अंदर ये प्रमोट करें। देखिए, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा, मैं सारी बातों को पाकिस्तान के एतबार से जमा करके आपके सामने रख रहा हूँ कि इन ऑर्गेनाइजेशंस की भी कोशिश है, दे नीड प्रोडक्ट्स टू मार्केट एंड सेल, है उन प्रोडक्ट्स के अंदर औरतें जो घरों में काम कर सकती हैं और बना सकती हैं, इवन इन IT, सिंपल लाइकिंग ऑफ वेब पेजेस एक्सेट्रा अर्न्स मनी, आई एम सरप्राइज, बच्चे कर रहे हैं। तो ये आइडियाज जो है वो नीचे तक जाना चाहिए। दूसरे, ये जो ट्रेनिंग, माशाल्लाह अभी मैंने देखा कि जो औरतों के ट्रेनिंग के एतबार से फैशन डिज़ाइनिंग और ये वो, इसके अंदर भी, और तो उसके अंदर नैफटेक हैज़ बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो औरतों के लिए भी हो सकते हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए। देखो, एक तो अफगदान ये है कि हमने तालीम नहीं दी, जब तालीम नहीं दी तो फिर वी कांट लीव ऑल आर पीपल, जब तालीम नहीं दी तो उनको स्किल सेट्स देने, और स्किल सेट्स ट्रेडिशनल स्किल सेट से भी निकले, फैशन डिज़ाइनिंग या मेकअप, ये ट्रेडिशनल हैं, कढ़ाई ये ट्रेडिशनल हैं, इससे निकलना चाहिए, जो मोर करंट चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए, जो ज़्यादा यील्ड करती हैं। इवन क्योंकि मैं डिसेबल्ड लोगों पर, मिसेस समीना आलवी और वुमेन एम्पावरमेंट और ब्रेस्ट कैंसर पर काम करती हैं, तो इवन द फैक्ट के जी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स दुनिया में चाहिए, है ना, सिर्फ साइन लैंग्वेज के हवाले से इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को इकट्ठा कर औरतों तक, लड़कियों तक पहुँचाना बेनतहा ज़रूरी है। तो TEFTA, NAFTEC, Amazon, IT itself के अंदर बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। फिर साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, का ताज्जुब की बात है कि औरतें प्रोफेशन में ज़्यादा, अब कल मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, जहाँ मेडिकल डेंटिस्ट और डॉक्टर्स और नर्सेस की ग्रेजुएशन थी, उसमें मैंने कहा कि जो ग्रेजुएशन थी तो मुझे लगा ऐसे कि मैंने उनसे पूछा, जो मेरे साथ चांसलर वाइस चांसलर साहब खड़े थे, कि ये औरतों की यूनिवर्सिटी है? उन्हें कहा नहीं, मगर औरतें ही हैं यहाँ पर, बिकॉज दे वर्क हार्ड, हैं, FSC में अच्छे नाम लेकर एडमिशन होता है, और फिर उनको मेडल्स मिल रहे हैं, तो 10 लड़के बैठे हुए थे और 100 औरतों को इनामात मिल रहे थे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर औरत के लिए, और फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर ये प्रॉब्लम है कि यही औरतें जो डॉक्टर बनती हैं, अब एक तो ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, अब उसके अंदर भी लोग मजबूरन रोजी की खातिर बाहर जा रहे हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इमेजिन करें कि वी नीड 900,000 नर्सेज पाकिस्तान में, और इस वक्त हमारे पास 2-3 लाख नर्सेज हैं। अच्छा, हम नर्सेज प्रोड्यूस करते हैं, वो सब बाहर चली जाती हैं। ये गरीब मुल्क एजुकेट भी कर रहा है,
और लोग जो पढ़ लिख कर वो बाहर चले जाते हैं। तो लिहाजा हमें अपने माशरे के अंदर कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। तो मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी के लोगों से ये बात कही कि देखो कम से कम इस बात का एहतमाम कर लो कि ये जो लड़कियाँ ग्रेजुएट कर रही हैं, 80% ऑफ वुमेन जो डॉक्टर्स बन रही हैं, यानी 80% डॉक्टर्स वुमेन बन रही, औरतें बन रही हैं। अच्छा, ये जब आगे चलते हैं तो मर्द ही मर्द हैं अस्पतालों में, औरत कहाँ गई? तो नतीजा ये होता है कि बास तो अच्छी शादियों के लिए पढ़ रही हैं। तो हमने कहा कि यार ये भी काम करना चाहती है, इनके माँ बाप को पहले साल से काउंसलिंग करो कि देखो हैरेसमेंट फ्री सराउंडिंग्स हैं यूनिवर्सिटी की भी और अस्पताल की भी। एक दूसरे ये कि ये कैफियत पैदा करो कि औरत अगर बच्चा उस प्रेग्नेंट होती है तो वो हटे थोड़े दिनों के लिए, मगर जब वापस आए तो एक वेलकमिंग माहौल हो। ये कैफियत नहीं हो कि औरत जब गई वापस आई तो चार साल गुजर गए, उसने कहा मैं तो पीछे रह गई, सब लोग आगे निकल गए। तो यू हैव टू क्रिएट अ वेलकमिंग माहौल कि औरत जाए मईशत की रोल में से फैमिली रोल में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर वापस भी आए। तो ये जो मल्टी फैक्टोरियल काम है हर तरफ हमको करना है, ये कहीं लिमिट नहीं होगा। और ये मैं आपको बता दूँ बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि बाद ममालिक में बल्कि हर मुल्क के अंदर तकरीबन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और होम एंटरप्राइजेज 70 या 80% इकॉनमी का हिस्सा बनती है, और 70 और 80% के अंदर जस्ट दी अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड सिचुएशंस फॉर दीज वुमेन टू कम अप, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि लेट द मार्केट वर्क ऑल्सो। गवर्नमेंट ने जो करना है वो तो मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रही है और करना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ये आइडियाज़ की बात है, ये एड की बात नहीं है। वी डोंट नीड एड फॉर चेंजिंग आवर एटीट्यूड्स, वी डोंट नीड एड टू प्रोवाइड लिंक्स। ये तो इंसानी दिमाग के लिंक्स है ना, ये तो आप लोग प्रोवाइड कर सकती हैं अपनी ख्वातीन के एतबार से, और जिस माहौल के अंदर जो सिखाना हो पढ़ाना हो उसी माहौल के अंदर से ये सारी चीज़ें निकल सकती हैं। और इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने क्या काम किया, आईटी ने ये काम किया कि डेमोक्रेटाइज कर दिया। जो इल्म था एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी से निकलकर, चाहे छोटा इल्म हो चाहे बड़ा इल्म, एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी से निकलकर क्लाउड में चला गया। दूसरे डीमोनेटाइज कर दिया, डीमोनेटाइजेशन का मतलब ये कि सस्ता कर दिया, जो बहुत बड़ी बड़ी फीसों के साथ था उसको सस्ता कर दिया। फिर सारी चीज़ों को सोच को डिस्टर्ब कर दिया। तो मैं जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ वो मैं आपकी सोच को डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ माशाल्लाह ये तो वो ग्रुप है जो ऑलरेडी कॉन्शियस है, और उस ग्रुप के लिए रास्ते बहुत सारे निकलते हैं, और इसी आईटी रेवोल्यूशन ने डिवॉल्व कर दिया सारी चीज़ों को। तो लिहाजा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों की हिस्ट्री में बीबी खदीजा द प्रॉफिट्स वाइफ वो बिजनेस वूमेन थी, मुसलमानों की हिस्ट्री भरपूर है, और जो ट्रांजिशन कम बच्चों का शुरू हुआ है दुनिया के अंदर, इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि औरतें काम ना करें। और तीसरी बात ये, कायदे आज़म भी यही कहते थे, सारी हुकूमतें यही कहती हैं, बट द रेजिस्टेंस इज़ विद यू, रेजिस्टेंस इज़ नॉट विद द गवर्नमेंट। और आखिरी बात मैं कहता हूँ कि मैं चैम्बर वालों के साथ इतनी हर मीटिंग में गुफ्तगू करता रहता हूँ कि भाई औरतें कहाँ हैं, तो मैं आई वॉन्ट ऑल इंडस्ट्रीज हियर, ऑल पीपल रिप्रेजेंटेड हियर। मैंने कई एक से पूछा कि तुम्हारी इंडस्ट्री में औरतें कितनी हैं, तो किसी ने कहा कि 15% हैं, किसी ने कहा 20% हैं, किसी ने माशाल्लाह कहा कि लीडरशिप में 50% हैं। मैं समझता हूँ कि हर ग्रुप का ये विजन होना चाहिए कि इस साल हम अगर 15 पर हैं तो अगले साल हम 20 पर होंगे और अगले साल 25 पर होंगे। विदाउट, जैसे आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं ना, वैसे इस आइडिया को एक्सपेंड करें और बिजनेस भी एक्सपेंड होगा इसके साथ। तो लिहाजा विदाउट टेंजिबल गोल्स फॉर यू नथिंग विल चेंज, एंड इफ यू चेंज दिस द डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ विल चेंज रिमार्केबली। सो आई हाई होप्स ऑन यू, एंड आई लीव दिस अमानत, यह अमानत आपके साथ छोड़ रहा हूँ कि इन सारे आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करें, और पाकिस्तान की तरक्की कोई रोक नहीं सकता इफ़ द वुमेन पार्टिसिपेट इन दैट। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।